वेलकम टू चार्टर्ड ब्लॉग्स। अगर आप 1 रुपये किलोमीटर में कोई कार चलाना चाहते हैं तो वो आज के टाइम पे तो एक सपने के जैसा ही है, लेकिन ये गाड़ी जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक्चुअल में आपको ऑलमोस्ट 1 रुपये किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट में एक फुल्ली फंक्शनल कार का मजा देती है, जो दिखती भी कार जैसी है, जो चलती भी कार जैसी है, जिसके अंदर आप 4 लोगों को 5 लोगों को कम्फर्टेबली बिठा सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपकी पॉकेट पर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ने वाली है। ये कौन सी कार है आप देख के पहचान ही गए होंगे, ये है अपने देश की कार टाटा का लोहा, टाटा टियागो ईवी। यहाँ पे आप टियागो ईवी की ब्रांडिंग देख सकते हैं। सबसे बढ़िया बात इस गाड़ी की ये है कि इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि जिससे ये लगे कि यार ये तो कोई अजीब सी कार ले आए, या कोई अदर देन आपकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती है जैसे कि हम देखते आए हैं इतने बड़े, वैसी की वैसी ही ये गाड़ी दिखाई देती है। तो इसमें अगर आप इसको कहीं लेके जाएंगे तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि यार ये कौन सी गाड़ी ले आए, और आदमी आश्चर्य होकर ये पूछेगा क्योंकि इसमें अभी ग्रीन नंबर प्लेट लगना बाकी है, तो वाह यार ये कौन सी गाड़ी लेके आ गए आप, तो वो एक इसके अंदर नोवेल्टी फैक्टर जरूर रहने वाला है। तो आज अपन इसी गाड़ी की बात करते हैं। ये है टियागो ईवी का XT वेरिएंट, जो कि है एक्सटेंडेड रेंज वाले बैटरी पैक के साथ में। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ, आप RJ नंबर से पहचान होंगे। राजस्थान के अंदर ये गाड़ी लगभग 10.5-10.75 लाख रुपए की पड़ती है। थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है क्योंकि जो नॉर्मल टियागो आती है उसका टॉप मॉडल भी आप लेने जाओगे तो वो लगभग 8 लाख रुपये के आसपास आ जाता है। तो इसके लिए अगर आप 2-2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं तो आपको इस गाड़ी के अंदर क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, आज ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसके क्या क्या मेन फायदे आपके लिए होने वाले हैं वो सब आप इस वीडियो में आज अपन देखने वाले हैं। तो ये है XT वेरिएंट, इसके ऊपर आपको एक XZ वेरिएंट और XZ लक्स वेरिएंट और आ जाएंगे, तो उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट के फीचर्स हैं वो सब चीज़ इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने दे दी है। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर आपको वही टाटा की ह्यूमैनिटी लाइन देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल टियागो आती है उसमें सिल्वर कलर में आती है, और यहाँ पर आपको ये एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर के अंदर देखने को मिलेगी, जो टाटा का सिग्नेचर है ईवी के लिए। यहाँ पे आपको डॉट ईवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर रेडिएटर की कूलिंग के लिए एक ग्रिल यहाँ पर है, ये आधी ग्रिल पैक है, और आधी ग्रिल जो है वो आप यहाँ से पीछे इसका जो एसी का कंडेंसर है वो देख पाएंगे उसके लिए है। इसके अंदर आप यहाँ पर ड्यूअल हॉर्न देख सकते हैं, दोनों तरफ एक एक हॉर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये ड्यूअल हॉर्न की पोजीशन देख सकते हैं। नीचे आपको ट्रायरो पैटर्न के अंदर भी जो है वो ग्रिल ओपन देखने को मिलेगी, बाकी सारी ईवीज के जैसे क्लोज नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इससे एयर फ्लो गाड़ी के अंदर बेटर हो जाता है, रेडिएटर को अच्छा जो कंडेंसर है उसको अच्छा एफिशिएंसी मिल जाती है। यहाँ पर आपका टोइंग हुक के लिए एक पैनल हो गया। उसके बाद इसके अंदर फॉग लैंप और DRL नहीं आते हैं, वो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आते हैं। ये बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर है, ये एसेसरीज का पार्ट है। इसके अंदर आपको रेगुलर हेडलैम्प ही देखने को मिलेंगे हेलोजन वाले, और यहाँ पर इंडिकेटर का प्लेसमेंट है। इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को नहीं मिलेगा, वो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आते हैं। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक की एक अच्छी सी फिनिश देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी पूरा एक पियानो ब्लैक का इस्तेमाल करके दिया है कंपनी ने। तो ये इसका जो ओवरऑल जो फ्रंट लुक है मैं आपको एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ, इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना देती है। अब इसके बाद बात करें तो नॉर्मल टियागो वाले सारे ही फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक स्पॉइलर टाइप का चिन्ह निकला हुआ है यहाँ पर नीचे, जो इसकी स्पोर्टी अपील को बढ़ाता है। उसके साथ ही इसके अंदर आपको वाइपर जो है वो नॉर्मल वाले देखने को मिलेंगे, एरोटून वाले नहीं मिलेंगे, अच्छी खासी बड़ी विंडस्क्रीन है। रूफ पर जो एंटीना है वो बड़ा वाला है, टियागो में भी वैसा ही आता है। ORVM जो है ये आपके पियानो ब्लैक फिनिश के साथ और इंडिकेटर के साथ आते हैं। इसके अंदर आपको फोल्डिंग जो है वो मैनुअल ही करनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिक फोल्डिंग इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, वो ऊपर वाले वेरिएंट में आती है, लेकिन इससे आप काम चला लेंगे। उसके साथ ही इसके अंदर आप यहाँ पर आपको की होल देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको जो है रिमोट की आती है, कीलेस एंट्री मिल जाती है, लेकिन आपको जो की जो है वो आपको सिलेंडर में वहाँ अंदर लगानी पड़ेगी। इसके अंदर पुश बटन स्टार्ट नहीं आता है, ऊपर वाले वेरिएंट में आता है। नीचे आपको यहाँ पर बिल्कुल एकदम प्लेन लुक देखने को मिल जाएगा, कोई भी इसके अंदर डोर के ऊपर क्लैडिंग वगैरह कुछ भी लगा के नहीं दी है। टायर साइज की बात कर लूँ तो इसके अंदर 175/65R14 का टायर साइज देखने को मिल जाएगा, लो रोलिंग रेजिस्टेंस अपोलो के टायर कंपनी ने लगा के दिए हैं इसके अंदर, तो ये इस तरह से आता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर भी अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलते हैं, इसके अंदर आपको नॉर्मल वाले जो स्टाइल व्हील्स हैं वही देखने को मिलेंगे, अलॉय व्हील कंपनी इसके अंदर देती ही नहीं है। उसके बाद और बात कर लें तो यहाँ पर आपको फेंडर के ऊपर यहाँ पर ब्लू कलर से डॉट ईवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो ये डोर वाइजर जो लगे हुए हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, टाटा की जेन्युइन एसेसरीज लगा के रखी है कस्टमर ने, तो ये आपको आप ऑप्ट कर सकते हैं। पीछे वाला डोर बिल्कुल इस तरह से सिमिलर आता है। उसके बाद पीछे की लुक की बात कर लें तो पीछे इसके अंदर टाटा वैसे तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन इसके अंदर आपको वाइपर वॉशर डिफॉगर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो विंडस्क्रीन जो है हैचबैक की काफ़ी जल्दी गंदी हो जाती है, तो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी ये जो साइड के जो इसके अंदर आपको ये विंगलेट दिए हैं ये स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट है, और जो स्पॉइलर टाइप का जो इसका बूट का हेड है वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऐसे आगे निकला हुआ है, ये स्टैंडर्ड फिटमेंट है। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बीच में टाटा का लोगो और टियागो ईवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसके अंदर कैमरा नहीं आता है, और
अभी तक लगने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ईवी है तो इसके अंदर अगर आपने कोई भी छेड़छाड़ करी तो टाटा इसकी वारंटी कैंसिल कर देगा और ये बहुत आपके लिए एक हेडेक वाली बात हो सकती है। पीछे आपको दो पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर के देखने को मिल जाएंगे, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, और बूट ओपन करने के लिए आपको की लगानी पड़ेगी, वो अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पर आपके अंदर नंबर प्लेट होल्डर है वो देखने को मिल जाएगा, और उसके लिए आपको यहाँ पर जो है नीचे की तरफ लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दोनों तरफ एक एक लाइट लगा के दी है, क्योंकि ये ईवी है तो इसके अंदर एग्जॉस्ट का तो कोई सिस्टम है ही नहीं, तो नीचे से लुक कुछ इस तरह का आता है। बैटरी पैक यहाँ पर है, आपको जो भी स्टिकरिंग वगैरह है वो सब यहाँ करके दी है। हाई वोल्टेज केबल जो है वो आपकी यहाँ से रन करती है। यहाँ पे आप इसका सस्पेंशन देख सकते हैं पीछे की तरफ से। अब मैं इसके चार्जिंग पोर्ट की बात कर लूँ तो चार्जिंग पोर्ट आपको यहीं फ्यूल लिड के यहीं देखने को मिलेगा। ये अंदर से ओपन होता है, बाहर से ओपन नहीं होता है। इसके अंदर आपको नॉर्मल जो आपका चार्जर है CCS2 वाला वही देखने को मिल जाएगा। टेल लैंप्स की बात कर लूँ तो टेल लैंप्स कुछ इस तरीके की आती है, और इसको मैं एक बार ऑन भी करके बता देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से पैटर्न में टेल लैंप ऑन हो जाती है, ये देख लीजिए। यहाँ से यहाँ इंडिकेटर है, यहाँ रिवर्स लैंप है, कुछ इस तरह से ये टेल लैंप ऑन हो जाती है। बाकी लेफ्ट साइड से भी आपको सब कुछ वही सिमिलर देखने को मिल जाएगा। ईवी की ब्रांडिंग आगे फेंडर के ऊपर दी गई है। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर आपको बताता हूँ कि ईवी के अंदर क्या क्या खासियतें कंपनी ने दी है। और सबसे पहले चाबी देख लेते हैं, तो ये आपको नॉर्मल जो है टाटा की चाबी देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको वही तीन बटन है, अनलॉक का बटन है, अनलॉक करेंगे तो ये गाड़ी ऐसे इंडिकेटर ब्लिंक कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हेडलैम्प ऑन करने का बटन है फॉलो मी होम लैम्प के लिए, तो मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बटन प्रेस किया और ये आपके हेडलैम्प इस तरह से ऑन हो जाते हैं। ये देख लीजिए दोनों हेडलैम्प ऑन हो गए। वापस मैंने बटन प्रेस किया तो हेडलैम्प ऑफ हो जाते हैं। और उसके बाद मैं गाड़ी को अगर लॉक करूँगा तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर मैं इसको लॉक करता हूँ। ये लॉक किया तो यहाँ पर ये गाड़ी लॉक हो गई, इंडिकेटर पे आपको मार्किंग आ जाएगी कि गाड़ी लॉक हो चुकी है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो यहाँ से मैंने अनलॉक करी, ये डोर ओपन हो गया। सेम वही टियागो वाला सब हिसाब किताब है। इसके अंदर आपको यहाँ पर आधा आधा लीटर की दो बॉटल रखने के लिए यहाँ पर स्टोरेज है। यहाँ पर आगे आपको थोड़ा सा पेपर वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बिन है जो ही आपका ग्रैब हैंडल का काम करेगा। इसके अंदर सब चीज़ ऐसी रफ ब्लैक के अंदर ही है, यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल या ऐसा कुछ लगा के नहीं दिया गया, क्योंकि XT वेरियंट है। इससे ऊपर वाले वेरियंट के अंदर यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश जरूर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर। इसके बाद आपके जो बताता हूँ आपको, बाकी आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। विंडो लॉक के लिए बटन यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका मेन डोर लॉक अनलॉक का बटन जो ओपनर है वो यहाँ मिल जाएगा। इसके अंदर कोई भी क्रोम का यूज कंपनी ने नहीं करके दिया है। ड्राइवर सीट में कोई भी आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आप रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगा के दी है। मैटिंग वगैरह जो है वो आपको एसेसरीज में कंपनी से लगा के मिल सकती है। यहाँ पर आपकी फुटवेल दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर एक्सेलेटर और ब्रेक दो ही पैडल आते हैं। बाकी नीचे वायरिंग थोड़ी सी और अगर अच्छे से नीटली करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी स्टेयरिंग का जो रैक है उसके लिए वहाँ पर अच्छा सा एक प्रोटेक्शन लगा के दिया है, और यहाँ पर आपका एक वेंटिलेशन के लिए जो पोजीशन दी गई है। बाकी बूट ओपन यहाँ से होगा, ये भी थोड़ा सा अगर अच्छे से प्रॉपर फिनिश करके देते, इसका अलाइनमेंट ऐसा टेढ़ा सा है, ये अगर थोड़ा सीधा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। एक कभी होल यहाँ पर आपको मोबाइल फोन रखने के लिए दिया गया है, की होल मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद एसी वेंट के यहाँ पे भी आपको सराउंडिंग में पूरा एक ब्लू एसेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिल्वर क्रोम का इस्तेमाल करके दिया है। सीट कवर जो है वो भी आपको एसेसरीज का पार्ट है, और सीट का जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, देख लीजिए आप। मतलब यहाँ पर आपको अब मैं अपनी ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ। सीट मैनुअली एडजस्टेबल है, और ये मैंने गेट बंद कर लिया। अब अगर मैं इसको वापस दबाता हूँ तो ये आपका जो मिरर्स है उनको एडजस्ट ये कर देगा। ये देख लीजिए, ये मिरर्स एडजस्ट हो गए हैं इसके हिसाब से। बाकी इसके अंदर ऑडियो सिस्टम की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एक ट्विटर आ जाएगा, और ऐसा आगे के दोनों दरवाजों में है। और पीछे की मैं बात कर लूँ तो पीछे भी आपको दो ट्विटर, दोनों डोर्स पे ट्विटर और दोनों डोर्स पे स्पीकर, तो टोटल आपको 8 स्पीकर का सिस्टम इसके अंदर देखने को मिल जाता है। हरमन पावर्ड, जिसकी टच स्क्रीन ये रही। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसके स्टेयरिंग व्हील जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, नॉर्मल जो टाटा की सभी गाड़ियों में आता है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है छोटी गाड़ियों के अंदर, हैरियर सफारी में अलग आता है। यहाँ पर आपको जो ब्लूटूथ और टच स्क्रीन के कंट्रोल्स है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आपको जो है क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। क्रूज कंट्रोल होता तो काफी अच्छा हो जाता, क्योंकि इससे ईवी की रेंज काफी एक्सटेंड आप कर सकते हैं। उसके बाद जो मीटर है वो नॉर्मल टियागो जैसा ही है, लेकिन उसको ईवी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया गया है। उसके अंदर जब आप गाड़ी को चलाएंगे, जब ड्राइव करेंगे, तो आपका जो पावर कंजम्पशन है वो यहां से दिखेगा। रीजन का जो है वो यहां से बार इंक्रीज होता है। यहां से आप इसके जो ट्रिप मीटर्स हैं उनको सेट कर सकते हैं, TPMS को आप सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो पैसिव TPMS है वो दिया गया है, जैसे आप यहां देख सकते हैं एक टायर के अंदर प्रेशर कम है तो ये यहां पर लाइट जल रही है कि आप टायर चेक कर लीजिए। वो आपको वैसे नहीं बताएगा कि स्पेसिफिकली कौन से टायर में कम है, लेकिन आपको ये इंडिकेट जरूर कर देगा कि किसी टायर के अंदर प्रेशर कम है। यहाँ पर आपको बैटरी के रेंज के लिए बता देगा, यहाँ पे गाड़ी कितनी चार्ज है अभी। यहाँ पे आपको परसेंटेज में भी आता है कि 59% आपकी बैटरी चार्ज है, तो उसके हिसाब से बार्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाते हैं। 59% में 171 किलोमीटर की ये रेंज गाड़ी बता रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गाड़ी 24
किलोवाट की बैटरी के साथ आती है, मतलब इसको चार्ज होने के लिए ऑलमोस्ट 24 to 25 यूनिट लगेंगे। अगर आपके यहाँ पे यूनिट का रेट ऑलमोस्ट अगर मैं 8 रुपए भी मानूं तो 200 रुपीज के अंदर ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी फुल्ली, और ऑलमोस्ट अगर आप नॉर्मली इसको चलाएंगे सिटी और हाईवे के मिक्स कंडीशन में तो ये आपको 200+ किलोमीटर की रेंज दे भी देगी। कंपनी तो 314 की रेंज क्लेम करती है, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 से 225 की रेंज आराम से मिल जाएगी। तो मैंने जो शुरुआत में कहा था कि 1 रुपए किलोमीटर के अंदर कोई गाड़ी अगर चल सकती है तो ये है, तो आप एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 200 रुपीज पर यूनिट, 200 रुपीज पर चार्ज में, स्लो चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, होम चार्जिंग की, ये गाड़ी आपको आराम से 200 से सवा 200 की रेंज देती है। तो वो एक बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाता है जिनकी रनिंग काफी ज्यादा होने वाली, क्योंकि कस्टमर ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा ये गाड़ी चला ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1073 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और इनको लिए हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, तो इनके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है ये गाड़ी। उसके बाद आपको मीटर में यहाँ पर भी एक जो है ये ब्लू कलर का यहाँ पर एसेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टाटा का लोगो हो गया। इसके अंदर यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, इसमें ऑटोमेटिक वाइपर नहीं आते हैं, मैनुअल वाइपर्स ही हैं। यहाँ पर आपको हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, हेडलैम्प भी आपके मैनुअल वाले ही हैं। जो साउंड सिस्टम है वो तो एकदम लाजवाब है, उसको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी आपको ये इलेक्ट्रिक के लिए कलर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इसकी 7 इंच की टच स्क्रीन आप देख सकते हैं, इसके अंदर सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर आपका जो चार्जिंग का डोर है उसको लॉक अनलॉक करने, ओपन करने के लिए बटन है, यहाँ पे आपको इसका रीजन एडजस्ट करने के लिए बटन मिलते हैं। इसके अंदर 3 लेवल का रीजन आता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, अभी यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर रीजन लेवल 2 हो गया या रीजन लेवल 3 हो गया। बाय डिफॉल्ट रीजन लेवल 1 पे गाड़ी स्टार्ट होती है, अब इसको मुझे कम करना है तो ये यहाँ से रीजन लेवल 2 पे आ जाएगा, यहाँ से रीजन लेवल 1 पे आ जाएगा, नीचे भी दिखाएगा और ऊपर वहां पर भी दिखाएगा इस जगह पे कि आपका रीजन लेवल कौन सा है। जैसे मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये देख लीजिए रीजन लेवल 2 और रीजन लेवल 3 तीनों बार यहाँ पर एक्टिवेट हो गए। उसके बाद नीचे की बात कर लूं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाएगा, ऑटो का बटन यहाँ देख सकते हैं ऑफ, और ये रिसर्कुलेशन के लिए बटन हो गए। यहाँ पे इको एसी भी है तो बैटरी कम यूज होगी और एसी प्रॉपरली काम करेगा। उसके बाद नीचे आपको एक यूएसबी पोर्ट यहाँ देखने को मिल जाएगा, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये नीचे कभी होल है, यहाँ पे आप पानी की बॉटल वगैरह रख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपका ये गियर सेलेक्टर है, ये गाड़ी अभी न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल की लाइट ऑन है, उसके आप ड्राइव, स्पोर्ट और रिवर्स इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर ले तो यहाँ पर आपको पूरा एक अच्छा सा फिनिश, टेक्सचर फिनिश देखने को मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक की है लेकिन ये बिल्कुल काफी अच्छा दिखता है। इसका एक काफी अच्छा फीचर ये है कि इसका जो डैश, ये जो ग्लव बॉक्स है, ये आपको यहाँ से बटन से ऑपरेट करना होता है, काफी एक कूल फीचर लगता है ये भी। इसके अंदर कूलिंग वेंट ब्लैंक करके दिया है, ऊपर वाले वेरिएंट में आता है। बाकी इसका डैशबोर्ड जो है, जो ग्लो बॉक्स है वो सफिशिएंटली वाइड है, उसके अंदर आप काफी सारा सामान रख भी सकते हैं। नॉर्मल दूसरी गाड़ियों के जैसे नहीं है कि आप छोटा सा एक ग्लो बॉक्स दे दिया जाता है, उसके अंदर आप ज्यादा कुछ रख भी नहीं पाते डॉक्यूमेंट के अलावा। तो इसके अंदर आपको काफी अच्छी स्टोरेज स्पेस दी है कंपनी ने। फुटवेल एरिया काफी अच्छा है। उस तरफ की डोर की बात कर लूं तो वो भी आपको सिमिलरली देखने को मिल जाएगा। ये जो सीट कवर्स है ये आफ्टर मार्केट, मतलब कंपनी से ही एसेसरी में लगा के दिए गए हैं। यहाँ से टियागो की ब्रांडिंग है, काफी अच्छा का फिनिश है। उसके बाद ऊपर एक आपको लैंप दिया गया है, ये एलईडी में फिनिश्ड है तो ये अच्छी बात है, लेकिन पूरी केबिन में एक ही लैंप है तो वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत वाला सब्जेक्ट हो सकता है। चलिए अब पीछे चलते हैं, उससे पहले आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे इसका ये हैंड ब्रेक है, ये मैनुअल हैंड ब्रेक है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं, यहाँ छोटे छोटे 2 बॉटल होल्डर दे रखे हैं और एक बड़ा बॉटल होल्डर पीछे देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 1 लीटर की पानी की बॉटल आराम से रखी हुई है। दोनों सीट्स के ऊपर एयरबैग के लिए जो आपका सीट बेल्ट है उसके लिए वार्निंग के लिए दिए हुए हैं, तो आपको जैसे ही कोई बंदा बैठता है इस वाली सीट पे भी तो वो सेंसर है उसकी वजह से आपका जो सीट बेल्ट की वार्निंग है वो यहाँ पर अंदर शो होने लग जाती है। चलिए पीछे चलते हैं, एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब अपन पीछे चलते हैं। ये मैंने चाबी निकाल ली यहाँ पे, अब अपन पीछे चल लेते हैं एक बार। तो पीछे चल के मैं आपको बता देता हूँ, पीछे का डोर काफी वाइड ओपन हो जाता है, 90 डिग्री तो नहीं होता है। यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक देखने को मिल जाएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा किसी के टच हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा ऐसे पॉइंटी ऐसे बाहर निकला हुआ है पूरे डोर से, आप यू देख सकते हैं यहाँ से। बाकी आगे मेरी हाइट 6 फीट है और मैंने अपनी सीट आगे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, तो मैं पीछे भी आपको बैठ के लेग रूम और सब बता देता हूँ कि कितना क्या मिलने वाला है। थोड़ा सा टाइट रहेगा इसके अंदर, अगर आगे वाला पैसेंजर इस बेस को थोड़ा, जो बैकरेस्ट है इसको थोड़ा आगे कर लेगा तो मुझे लेग रूम मिल जाएगा, बस मेरे लेग टच हो रहे हैं, बाकी कोई ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फुटवेल एरिया काफी अच्छा है तो वहां पे भी मुझे कोई इशू नहीं है पैर को मूव करने में। मतलब इसके अंदर आप जो है बीच वाली सीट पे फुल्ली एडल्ट, ग्रोन एडल्ट को बैठाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उसके लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा वाइड ये गाड़ी नहीं है, आप देख सकते हैं, मतलब मेरा हाथ ऑलमोस्ट वहां पे टच हो रहा है। यहाँ पे आपको पीछे जो है वो दो ही फिक्स एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स एड्रेस की देखने को मिलते हैं और पीछे आपको यहाँ पे कोई पार्सल ट्रे देखने को भी नहीं मिलेगी। बूट स्पेस इसकी 240 लीटर्स की है, जिसके अंदर आपको इस तरह से चार्जिंग केबल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर स्टेपनी उसके नीचे है, बाकी आपको यहाँ पर 3-3 kgs के दोनों तरफ एक एक लगेज हुक देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से।
इसके बाद बात कर लूं तो यहाँ पर जो ये पीछे का जो पैनल है इसको भी अगर कवर करके देती कंपनी तो काफी अच्छा हो जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है यहाँ से देखने में, क्योंकि ऊपर तो प्लास्टिक लगा के दिया है लेकिन नीचे वाले पैनल के ऊपर प्लास्टिक लगा के नहीं दिया, तो होल और पेस्टिंग जो है, लॉकिंग मैकेनिज्म है, वो सब बाहर से दिख रहा है तो वो काफी अजीब सा दिख रहा है। एक थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर नहीं करते तो ज्यादा अच्छा हो जाता, वहां पर आपको वोकल फॉर लोकल का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। बाकी इस तरफ का डोर में भी सब कुछ वही है, एक स्पीकर है, एक ट्विटर है। चलिए बाहर चलते हैं और बाहर से मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक बार बूट स्पेस भी चेकआउट करा ही देता हूँ आपको कि कैसे क्या रहने वाली है इसके अंदर बूट स्पेस। तो उसके लिए आपको चाबी चाहिएगी, यहाँ से आपको चाबी ऐसे लगाएंगे और इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो ये बूट यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर 240 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा जो कि सफिशिएंट है छोटी गाड़ी के हिसाब से। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ पर ये जो चार्जिंग केबल है ये पूरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इसका ये मेन जो सॉकेट है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा, इस तरह से चार्जिंग का सॉकेट है। यहाँ पर आपको इसके पिंस देखने को मिल जाएंगे और इसका जो मेन अडेप्टर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, वो इस तरह से आता है। उसके अंदर सारी LED लाइट्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कि कौन सी लाइट जलेगी तब आपका क्या फंक्शन यहाँ पे हो रहा होगा, गाड़ी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है या ऑलमोस्ट चार्जिंग के नियर है, वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको टायर इन्फ्लेटर किट देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर स्टेपनी नहीं आती है वैसे तो, आपको नीचे कोई भी स्टेपनी नहीं है, नीचे बैटरी पैक ही है। यहाँ पर आपका वार्निंग ट्रायंगल मिल जाएगा, ये एक पिलो जो आगे मैंने बताया था उसका एक सेकंड पिलो है। यहाँ पर आपको ये जो है 60-40 तो नहीं मिलती है लेकिन ये पूरी सीट रिक्लाइन हो जाती है, तो आप इसको पूरी सीट को रिक्लाइन करके अपनी बूट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसका बूट कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब क्या बच रहा है, अब मेन चीज बच रही है इसका, आपको बोनेट खोल के भी दिखा देता हूँ कि इसमें आगे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो मैंने वहाँ से लीवर को पुल किया और यहाँ से इसका बोनेट मैं रिलीज़ कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बोनेट सफिशिएंटली हैवी है, कोई इंसुलेशन नहीं है क्योंकि मोटर है तो ज़्यादा आवाज़ करती नहीं है। यह है टियागो EV लॉन्ग रेंज की इंजन बे, इसके अंदर आपको 55 किलोवाट की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा जो कि इस गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट है। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है माउंटिंग करके दी गई है, यहाँ पर आपका जो ABS का सिस्टम है वो यहाँ माउंट करके दिया गया है। उसके बाद आपके छोटे मोटे जो लिक्विड्स हैं इसके अंदर, जो बैटरी का कूलेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके वाइपर की जो वॉशर नोजल है वो सब देखने को मिल जाएगी। ये जो आपकी मेन बैटरी है वो रहने वाली है यहाँ पर, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल्स को, जो आपके हेडलाइट्स वगैरह है, हॉर्न वगैरह है, उसके लिए काम में आती है, जो बैटरी अलार्म सिस्टम है। और यहाँ पर आपके मेन जो हाई वोल्टेज चार्जिंग केबल्स है, जो भी बैटरी की जो कनेक्शंस हैं ऑरेंज वाले, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पीछे भी फायरवॉल पे इंसुलेशन देखने को मिल जाएगा जो कि NVH लेवल्स को थोड़ा और रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। यहाँ पर आपको कंडेंसर और उसका फैन वगैरह सब देखने को मिल जाएगा जो AC के लिए है। तो और नीचे यहाँ पर आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलेगा क्योंकि EV है तो ज़्यादा साउंड वैसे भी नहीं करती है ये, तो आपको इंसुलेशन की यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। बाकी बोनेट जो है वो सफिशिएंटली स्ट्रांग है और ये 4-स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है, तो आपको सेफ्टी भी इसके अंदर पूरी देखने को मिलती है। तो ये था मेरा रिव्यू टाटा टियागो EV XT लॉन्ग रेंज का। ये गाड़ी की कीमत मैं आपको बता चुका हूँ 10-10 लाख रुपए के आसपास पड़ती है राजस्थान में ऑन रोड। सब्सिडीज़ जो अगर आपके स्टेट में कुछ चल रही हैं तो आप उसके लिए अलग से पता कर सकते हैं, डीलर टू डीलर या स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। बाकी ये गाड़ी आपको बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ने वाली है, आप CNG भूल जाएंगे, आप इलेक्ट्रिक अंदर आप अगर आपका स्पोर्ट्स मोड लगाएंगे एक बार तो मतलब आपको यूँ लगेगा कि भाई कोई आप अलग ही कैटेगरी की गाड़ी में बैठे हैं, आपको ये लगेगा ही नहीं बिल्कुल कि आपको ये एक मिड साइज़ की, जो छोटे साइज़ की जो हैचबैक होती है उसके अंदर बैठे हैं। आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आप एक छोटी हैचबैक के अंदर बैठे हैं। ये गाड़ी इतनी तेज़ी से स्पीड पकड़ती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि कोई ऐसी छोटी गाड़ी इतनी तेज़ स्पीड कैसे पकड़ सकती है। और इतना साइलेंट जो कैबिन है इसका, क्योंकि कोई इंजन नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी हाई स्पीड के ऊपर टायर नॉइज़ और रोड नॉइज़ जरूर आएगी, बाकी एकदम साइलेंट चलती है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। मतलब आप इमेजिन करेंगे कि मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही फ्यूचर है और ये उसका एक प्रेजेंट स्वरूप है कि आपको इलेक्ट्रिक आगे कैसे आने वाले टाइम में और इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को चला के। छोटे मोटे नेगेटिव्स हो सकते हैं, कभी कोई निगल्स आ जाएंगे, कभी कोई दिक्कत आ जाएगी, वो सबके साथ होती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप इस गाड़ी से सेटिस्फाइड ही रहेंगे क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो भी IP67 रेटिंग है। तो आपको वाटर लॉगिंग के अंदर भी इस गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पता नहीं पड़ेगा कि इंजन हाइड्रोलॉक हो गया, ऐसा कुछ हो गया, वो कोई भी समस्या इसके अंदर नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत पानी भी भरा है तो भी इसके अंदर आप आराम से लेके जा सकते हैं इसको, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ठीक है, सॉल्टी वाटर या कोई इस तरह का हो तो आप उसके अंदर अवॉइड करिए क्योंकि आपकी खुद की गाड़ी रहने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आपको छोटा मोटा ऐसा कुछ कभी करना भी पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस गाड़ी के अंदर। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।